आपने पहाड़ों के दरमियान गहरी खाइयों और जमीन पर खंदकों के बारे में तो जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं समंदर के अंदर भी गहरी खाइयां या खंदकें होती हैं? दुनिया की सबसे गहरी समंदरी खाई कहाँ है? ये खाइयां कैसे बनती हैं और इनके हमारी जिंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम में से अक्सर लोग शायद ऐसा सोचते हों कि समंदर जैसा ऊपर से नजर आता है, इसकी तह भी किसी फर्श की तरह होगी। ऐसा नहीं है। समंदर की तह में कई जगहों पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे होते हैं जिनकी गहराई हजारों मीटर तक हो सकती है। इतनी ज्यादा गहराई की वजह से यहाँ पानी का दबाव 1000 गुना तक ज्यादा हो सकता है। यहाँ किसी इंसान का तैर कर जाना नामुमकिन है। ये गड्ढे सी फ्लोर का हिस्सा नहीं होते, इसीलिए इन्हें ओशियनिक ट्रंचेस कहते हैं। जेरे जमीन, जहां जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, इसे सबडक्शन जोन कहते हैं। जमीन की इन प्लेट्स के टकराने की वजह से यहां वी शेप में गढ़ा सा बन जाता है। ये गढ़े यानी ट्रंचेस बढ़ते बढ़ते हजारों मीटर तक गहरे होते चले जाते हैं। इनका साइज ऊपर से बड़ा होता है जबकि जमीन में जाते जाते छोटा होता जाता है और इस तरह ट्रंचेस वजूद में आती हैं। ओशियनिक ट्रंचेस पूरी दुनिया के समंदरों में मौजूद हैं, लेकिन बहरुल काइल में इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। हर ट्रंच की गहराई एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। मरियाना ट्रंच दुनिया की सबसे गहरी ट्रंच है, जिसकी गहराई तकरीबन 11000 मीटर है। ये बहरुल काइल में मरियाना आइलैंड से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में वाके है। मरियाना ट्रंच और मरियाना आइलैंड का नाम स्पेन की मलका मरियाना ऑफ ऑस्ट्रिया के नाम से मंसूब है, जो स्पेन के बादशाह फिलिप चारुम की बेवा थी। मरियाना आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पुरेसरार और अजीबोगरीब मखलूकात रहती हैं। वल्लाहु आलम, अभी इस बारे में ज्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी ट्रंचेस हैं, जैसे बहरे हिंद में सुंदर ट्रंच है। बहरे हिंद में ये सबसे गहरा मुकाम है। इसकी गहराई तकरीबन 7725 मीटर है। नाजरीन, जैसा कि पहले जिक्र हो चुका, जेरे ज़मीन सबडक्शन जोन में ज़मीन की प्लेट्स के टकराने की वजह से ये ट्रंचेस वजूद में आती हैं। दुनिया में ज़्यादातर जलजले इन्हीं सबडक्शन जोन में तगैयुरात की वजह से आते हैं। बहरा हिंद में 2004 का सुनामी सुंदर ट्रंच में होने वाली तब्दीलियों की वजह से आया था। हम इन ट्रंचेस में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करके एक बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं और दुनिया को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। जाते जाते कुछ अहम पॉइंट्स को रिव्यू कर लेते हैं। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इक्तदार खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।